जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी आज की रेसिपी है गाजर का हलवा, सो लेट्स स्टार्ट। जी गाजर को मैंने छील लिया और अब मैं इसको ग्रेट करने लगी हूँ। ये मैक्सिमम 1 kg कैरेट है, ठीक है। आप इसको 1/2 kg में भी बना सकते हो, स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए। और अब आपने इसको ग्रेटेड कर लेना अच्छी तरह, और आप इसको किसी पॉट में, या मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ अगर मैंने जल्दी बनाना है, आपने इसको ग्रेट करके अच्छी तरह वॉश कर लेना और इसको आपने प्रेशर कुकर में रख देना। और फिर इसके पानी को, जो गाजर के अंदर पानी, इसको ड्राई होने देना। उसके बाद आपने, अब आपने इसके अंदर 2 कप मिल्क ऐड कर देना है, ठीक है। 2 कप मिल्क ऐड कर दें, उसके बाद आपने इसको प्रेशर के लिए रख देना है 10 to 15 मिनट। और देखें इस तरह का ही ड्राई हो जाएगा कैरेट, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, आपको दूध इसमें ड्राई नज़र आएगा। और ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, जो कि 1 कप ऑयल है, 1 कप शुगर है, थोड़े से ड्राई नट्स हैं, और मैंने थोड़ी सी बलाई ली है। आप इसमें खोया डालोगे तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा, मेरे पास इस वक्त खोया नहीं था सो मैंने नहीं डाला। अब आपने इसमें किसी कढ़ाई या पॉट में इसको शिफ्ट करना है और थोड़ा सा ड्राई, जो दूध रह गया उसको ड्राई कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप इसमें ऑयल डालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ठीक है। अब आपने इसकी शुरू करनी है भुनाई। आप इसके अंदर देसी घी भी ऐड कर सकते हो, सिंपल घी भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास ऑयल है, ऑयल ऐड कर लो, जैसे आप लोगों को ईजी लगता है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, इसको अच्छी तरह भुनाई कर लें। जी अब ये भुनाई होना शुरू हो गई हुई है, जैसे जैसे आपको ऑयल साइडों में नज़र आएगा तो ये आपका अच्छी तरह भुन जाएगा। अब इसके बाद आपने इसके अंदर इस टाइम पे खोया डालना है। मेरे पास इस वक्त मलाई थी तो मैंने मलाई डाल दी फॉर अ गुड टेस्ट। आप इसके अंदर खोया डालोगे उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद काफ़ी इसके मला भून कर आपने फिर इसके अंदर आपने शुगर ऐड कर देना है, ठीक है। ये तकरीबन 1 कप शुगर थी, मैंने इसको थोड़ा सा कम डाला था। ये आपने मीठा जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ये केजी की रेसिपी है। अगर आप 1/2 kg बनाओगे तो उसमें आप 1/2 आपने डालनी है शुगर, ठीक है, कप की बता रही हूँ आपको मयरिंग। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह भूनना है, इसका भी शुगर आपकी पूरी अच्छी तरह भुना होगा, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह भूनते जाना है, और जब ये ऊपर ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा तो आपको समझ आ जाएगी कि जी ये आपका हलवा रेडी हो चुका हुआ है। सबसे ज़्यादा इसकी मेहनत एंड पे ही है, शुरू में कोई काम नहीं है, आपने सिर्फ इसको अच्छी तरह भूनेंगे तो आपको ये जी खाने में मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मेरी बाकी रेसिपीज़ भी आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।